चलिए इस वक्त आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है उसमें अब खबर आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के साथ साथ उनके बेटे की भी हत्या हो गई है। उनके बेटे का भी शव बरामद हो गया है। दिनेश पटेल उनके बेटे का नाम बताया जा रहा है। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे के अगवा होने की खबर थी उससे पहले, उसके बाद खबर आई कि नंद कुमार पटेल का शव जो है वो बरामद हुआ है। अब जब सुबह जब तमाम सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो 11 शव बरामद हुए, उनमें से एक शव नंद कुमार पटेल का भी था। और अब कुछ ही देर पहले खबर आई कि उनके बेटे दिनेश पटेल का भी शव जो है वो बरामद हो गया है। और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है मरने वालों का वो 28 पहुंच गया है, जिसमें कांग्रेस के तीन बड़े कद्दावर नेता वो शामिल हैं। उसमें आपको बता दें कि महेंद्र कर्मा आदिवासी लोगों में उनकी खास पैठ मानी जाती है, आदिवासी नेता थे, और साथ ही उदय मुदलियार और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका भी है।